सीखे आप, अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस। बहुत दिन चलेगा नहीं ये, उन सब का सबको मालूम है कि आने वाला समय और आने वाला दिशा क्या होने जा रही है। यह हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। उसके अनुसार एक बार पुरुषार्थ किए जाने की आवश्यकता है। हिंदू कभी निराशावादी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। दुनिया के अंदर तमाम संस्कृतियां मिट गई, तमाम परंपराएं मिट गई, सब कुछ नष्ट हो गया, कोई पूछने वाला नहीं, इतिहास में नाम शेष हो गए। लेकिन इतनी विपत्तियों के बावजूद, हजारों हमलों को झेलने के बावजूद, तमाम षड्यंत्रों के बावजूद, अंदर और बाहर दोनों से हमलों को जूझते हुए भी अगर सनातन हिंदू धर्म मजबूती के साथ खड़ा है तो वह किसी के बल पर नहीं, इस जनता की ताकत के बल पर है। और जब तक आस्था सनातन हिंदू धर्म के प्रति आप सबकी बनी रहेगी, भारत माता के प्रति आपकी बनी रहेगी, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। हमें किसी ओबामा से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। हिंदुत्व पर जो प्रहार करेगा उसको महाप्रलय को स्वयं आमंत्रित कर देगा, उस महाप्रलय की चपेट में स्वयं भी आएगा। इस बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए बंधुओं, आप सबका मैं आह्वान करूंगा,